इस वक्त हम खड़े हैं भारतीय कुश्ती संघ के नए ऑफिस पर। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है ये भारतीय कुश्ती संघ का नया ऑफिस होगा और यहीं से अब सारा जो संचालन है, जो डे टू डे अफेयर्स है भारतीय कुश्ती संघ का, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, वो अब यहाँ से होगा। इससे पहले ये ऑफिस सालों से जंतर मंतर पर था, ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर के प्रेमिसेस में ये ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया। आइए चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि कैसा है ऑफिस और क्या क्या है, सामान क्या आने शुरू हो गया, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। क्योंकि आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया था और उस सस्पेंशन के बाद से उसमें ये भी कहा गया था कि चूंकि वो जो ऑफिस था इससे पहले वाला वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर में था, मीटिंग वहाँ पे कंडक्ट की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो भी आप कह सकते हैं कि नज़रों में था खेल मंत्रालय के। तो शायद यही वजह है कि आनन फानन में ये निर्णय लिया गया कि WFI का ऑफिस उसको शिफ्ट कर दिया जाए। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा है WFI का ऑफिस। ये मीडिया है जो हमें लेकर जाएंगी WFI के ऑफिस में और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखेंगे नए ऑफिस की, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए ऑफिस की एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आज तक हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे साथ आएंगे मेरे कैमरामैन और हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये ऑफिस, कहाँ पर है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है इस बिल्डिंग का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड लगा हुआ है भारतीय कुश्ती संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ऑफिस है और हम आपको दरवाजा खोल के दिखाते हैं, मेरे साथ मेरे कैमरामैन अंदर आएंगे। तो ये रिसेप्शन ये बनाया गया है और इस रिसेप्शन में देखिए फिलहाल के लिए एक कंप्यूटर रखा गया है, एक रिसेप्शन टेबल है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। सो बेसिकली यहीं से अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा WFI का वो इसी जगह से शुरू होगा। लंबे समय के बाद ये ऑफिस शिफ्ट हुआ है क्योंकि पिछले 12 साल से जब से ब्रिजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे तब से ये ऑफिस जो है वो उन्हीं के घर में था, घर के अंदर ही था। लेकिन अब चूंकि तमाम सवाल उठने लगे थे, उन सवालों से बचने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि इस ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये नया पता है, ये नया ठिकाना है, नया ऑफिस है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है, एडहॉक कमेटी बना दी गई है जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के डे टू डे अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन का सारा ख्याल रखेगी। तो आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए ऑफिस की ये है। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव, आज तक।